आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा स्टॉक के बारे में। ओवरऑल रिलायंस पावर में जो फ्रेश मोमेंटम दिखने वाला है वो 13.50 रुपया के ऊपर ही दिखेगा। तब तक के लिए ये स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है 13.00 रुपया और 11.50 रुपया के बीच में। हालांकि रिजल्ट बेहतर नहीं रहे थे, उसके बाद भी गवर्नमेंट के द्वारा जो पावर सेक्टर में टैरिफ के प्राइस को हाइक करने का जो ऐलान किया गया है, आश्वासन दिया गया है, उसके बाद पावर सेक्टर में थोड़ा बहुत स्ट्रांगनेस दिख रहा है। दूसरी स्टॉक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिलायंस इंफ्रा। जिस प्रकार से ये स्टॉक 200-day मूविंग एवरेज के प्राइस को रिस्पेक्ट कर रही है और वो रिस्पेक्ट अराउंड जो है 2021-09-04 से ही करते हुए दिख रही है। उसके बाद स्टॉक ने कंटिन्यूअस हायर लो हायर हाई के जो ट्रेंड है उसको फॉलो किया है। अगेन एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है 100 के आसपास के प्राइस पे इस स्टॉक को बाइंग करने का। 94 के नीचे के स्टॉप लॉस लगा करके पहला टारगेट इस स्टॉक में 112.15 और दूसरा टारगेट 140.42 रिलायंस इंफ्रा में दिख सकता है। पहला टारगेट विद इन मैक्सिमम 7-10 डेज और दूसरा टारगेट मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन में रिलायंस इंफ्रा में दिख सकता है।